कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों पर भारी दबाव है। शहर बंद होने के कारण तीमारदार अपने खाने का प्रबंध नहीं कर पा रहे। आवाजाही बंद है, होटल ढाबे बंद हैं, जिस कारण दूर दराज से आए मरीजों के साथ तीमारदार भोजन के लिए दर दर भटक रहे थे। ऐसे में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने जम्मू के अस्पतालों में भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था की। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भी गैर सरकारी संस्थाओं ने लंगर पानी की व्यवस्था की है, जिसका जायजा लेने के लिए आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया तथा तीमारदारों को अपने हाथों से भोजन के पैकेट भी बांटे तथा इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज जहाँ जीएमसी के बाहर फूड पैकेट्स का बांटने का काम बहुत से लोग कर रहे हैं, हमारे साथी प्रेम जी, युधवीर सेठी जी और भी लोग, मैंने आज खुद मेरे अंतरात्मा की आवाज़ घर पे फूड पैकेट तैयार करके बच्चों ने तो आज यहाँ हमने बांटे हैं। मेरे साथ दोनों बेटे भी आए हुए हैं और पानी के पैकेट्स, मास्क वगैरह। लेकिन मैं यही देख रहा हूँ अभी भी बहुत नीड है। मैं जम्मू वासियों से यही अपील करता हूँ कि जम्मू हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ बाई के बाई डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, कहीं से माइग्रेशन होगी तो जम्मू होती है, जम्मू उसको संभालता है। चाहे मैं 89 की बात करूँ कश्मीर की, चाहे मैं 47 की बात करूँ, 65 की, 71 की, जम्मू सबको कैटर करता है। महामारी में भी आज जम्मू के लोग लगे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी घर घर से फूड पैकेट बना के बैठ रही हैं। कोई किट दे रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है, कोई मेडिसिन बांट रहा है, कोई सिलेंडर ऑक्सीजन के वो दे रहा है, कोई कंसंट्रेटर दे रहा है, हर एक आदमी लगा है। अलग अलग एनजीओ द्वारा भी अलग अलग आइसोलेशन बाढ़ कोमड़ हॉस्पिटल बने हुए हैं शारदा संजीवनी केंद्र में, ऊपर त्रिकुटा यात्री निवास में, जो प्राइवेट एनजीओ द्वारा ये शुरू किया गया है। मेरा यही कहना है जब तक सरकार और समाज दोनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे, वो दिन दूर नहीं। इस महामारी से पहले साल भी हम इसको भगाया था, इस साल भी अब बहुत जल्द इससे भी हम बाहर निकलेंगे।